सो so, आज का टॉपिक है हमारा नर्सिंग हैंडओवर। नर्सिंग हैंडओवर ये पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो पेशेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन एक स्टाफ नर्स दूसरे स्टाफ को देता है एक डिटेल इंफॉर्मेशन के रूप में उसे हम नर्सिंग हैंड कहते हैं ये जनरली थ्री टाइप्स का होता है सबसे पहला होता है हमारा शिफ्ट 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 में जो एक का इंचार्ज होता है वो दूसरे शिफ्ट इंचार्ज को नंबर ऑफ पेशेंट हर डिपार्टमेंट में कितने हैं और कौन से स्टाफ के पास कितने पेशेंट है इसकी इंफॉर्मेशन देता है फिर आता है हमारा पेशेंट ट्रांसफर हैंड जब पेशेंट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट होता है तो हमें पूरा पेशेंट से रिलेटेड डिटेल्ड हैंड जो दूसरे स्टाफ को प्रोवाइड करना पड़ता है उसे हम पेशेंट ट्रांसफर हैंडओवर कहते हैं तीसरा होता है हमारा बेडसाइड हैंडओवर बेडसाइड हैंडओवर में हम पेशेंट का नाम यूएचआईडी डेट ऑफ एडमिशन चीफ कंप्लेंट प्रोविजनल डायग्नोस प्लान ऑफ केयर उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर अगर कोई ड्यू है वो साथ ही साथ पेशेंट की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री है जिसकी वो दवाइयां ले रहा है वो या पेशेंट को कोई ऐसी डिजीज जिसकी वजह से उसको यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़े के अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो पेशेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हमारी एज अ नर्सिंग हैंड ओवर में मैंशन में होनी चाहिए अगर आप भी नर्सिंग हैंड ओवर में सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर करें